वन वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे मैं तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी हूँ और बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ क्योंकि मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मेरे वन थाउजेंड जो मेरे फर्स्ट वन थाउजेंड सब्सक्राइबर्स हैं वो आप सबकी वजह से कम्प्लीट हो गए आई नो ये बहुत लोग के लिए बहुत छोटा नंबर होगा बट जब आप वो माइल्ड स्टोन धीरे धीरे करके पहुँचते हो तो आपको पता चलता है कि वो हैप्पीनेस जब आपको एक चीज़ कंप्लीट करते हो तो क्या होती है तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी चीज़ है सो so, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत थैंक यू अगर आप लोग मुझे सपोर्ट और लव नहीं दिखाते तो मैं ये शायद नहीं कर पाती और इसका एक अलग ही स्टोरी है बहुत लॉन्ग स्टोरी क्योंकि एक साल तक मेरा चैनल ऑलमोस्ट उस पर कुछ भी पोस्ट नहीं हुआ था तो ऑलमोस्ट चैनल मेरा डेड हो गया था तो धीरे धीरे वापस से मैंने उसको ग्रो किया तो आई नो वो पेशेंस लेवल वो वेट क्या होता है किसी भी चैनल को ग्रो करने का तो मेरे लिए जो थाउज़ेंड सब्सक्राइबर्स है ना मेरे फर्स्ट थाउजेंड सब्सक्राइबर्स ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कैसे मिला है और अब कैसे कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है सो टच वुड और उसके साथ साथ जो ये केक मैं बना रही हूँ ये फ्रेशर्स केक एक मुझे मिला था ऑर्डर इसके साथ भी मेरी एक अलग ही स्टोरी हो गई थी जो मैं अभी आपसे शेयर करती हूँ और अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो मुझे उससे सीखने को मिली दो चीज़ मुझे एक्सपीरियंस उससे मिला है वो मैं आपसे शेयर करूँगी यूजुअली क्या होता है ना जब हमें केक का ऑर्डर मिलता है तो हम बाकी इन्फॉमेसन ले लेते हैं बट कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग डेट्स पर इतना ध्यान नहीं देते जैसे कि हम लोग कहते हैं कि कस्टमर हमसे जब कहते हैं कि उन्हें परसों केक चाहिए उन्हें कल चाहिए उन्हें दो दिन बाद चाहिए तीन दिन बाद चाहिए तो इस तरह की हमारी कॉन्वर्सेशन होती है हाँ ऑल दो बहुत से लोग पूरा प्रॉपर लिखते हैं बट कभी कभी जल्दबाजी में क्या हो जाता है कि हम लोग इस तरह से ऑर्डर ले लेते हैं मेरे साथ भी ऐसा हुआ है ये कुछ बात अक्टूबर की है वीडियो मुझे पोस्ट करने में बहुत ही लेट हो गया है बट अक्टूबर में इट वॉज लाइक इलेवेंथ अक्टूबर था एंड कस्टमर ने मुझसे बोला कि उन्हें परसों केक चाहिए मॉर्निंग में तो मैंने बोला ओके okay, आपको केक चाहिए मैंने सारा डिटेल कहाँ पर केक चाहिए कितने बजे चाहिए सब कुछ लिखा ड्यू टू रश मैंने डेट कन्फर्म करना भूल गई तो मैंने बोला ओके okay, आपको परसों केक चाहिए वो मिल जाएगा तो कस्टमर का परसों के अकॉर्डिंग क्या हुआ इलेवंथ को बोला तो यानी कि थर्टींथ होना चाहिए था तो मैंने पूरा केक वग़ैरह का इंफॉर्मेशन कि केक कैसा बनना है क्या ओकेजन है सब कुछ पूछ लिया बट मैंने ये नहीं पूछा कि एक बार डेट कन्फर्म बता दीजिए और कस्टमर को भी मिस इंटरप्रिटेशन होगी उन्होंने मुझे फोर्टीनथ को ऑर्डर उनको चाहिए था और उन्होंने मुझे थर्टीनथ का बता दिया परसों उनको लगा कि ट्वेल्थ है इलेवेंथ वही जो भी आप समझ लीजिए अब मैंने थर्टीथ को मॉर्निंग में पूरा केक अच्छे से बना लिया यही जो केक मैं बना रही हूँ ये मॉर्निंग में मैं बना रही थी जल्दी जल्दी फ़्रेशली बनाया मैंने एकदम सेट किया उसको फिर मैं उसको डिलीवरी लोकेशन और मेरे घर से डिलीवरी लोकेशन लाइक अराउंड ट्वेंटी फाइव टू थर्टी मिनट्स लग गए थे मुझे पहुँचने पर तो जब मैं वहाँ पहुँची और मैंने अपने कस्टमर को कॉल किया कि मैं बस ऑलमोस्ट पहुँच गई हूँ आप केक ले लो सो so, कस्टमर ने मुझे बोला क्या मुझे तो कल केक चाहिए था एंड आई वाज लाइक व्हाट बट आपने तो मुझे परसों बोला था ना तो एलेवेंथ के अकॉर्डिंग तो परसों थर्टीन हुआ एंड शी वाज लाइक एक मिनट मैंने परसों बोल दिया मैंने कहा हाँ आपने परसों बोला था सो इट वॉज़ लाइक कि नहीं 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 मुझे लगा ट्वेल्थ है मुझे फोर्टीनथ को केक चाहिए था थर्टीनथ को नहीं चाहिए था और जब मैंने ये चीज़ सुनी आई वॉज सो शॉकड मुझे अपने ऊपर भी गुस्सा आ रही थी मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या मैं डिलीवरी लोकेशन के पास खड़ी थी और केक ले करके आई वॉज़ पैनिक थोड़ा मैंने पैनिक किया बट मैंने उसको सोचा नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा तो नहीं होता ध्यान अब आपको थोड़ी करना ही पड़ेगा अब ऐसी सिचुएशन जब हो जाती है फिर मैं अपने कस्टमर उनको कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी का था तो मैं उनके कॉलेज के पास थी बट अब वो तो मैं किसको देती वहाँ पर मैं किसको जानती भी नहीं फिर मैं उस कस्टमर के घर पर गई मैंने उन्हें उनका ऑर्डर दिया मैंने कहा आप इसको रख लीजिए आप इसको कल ले करके चले जाइएगा इस चीज़ से मेरे इस एक्सपीरियंस से मुझे दो चीज़ सीख, सीखने को मिली बेसिकली पहला तो कि आपको सारी इंफॉर्मेशन डिटेल्स में लिखनी है कि किसके ओकेजन का है किस दिन चाहिए किस टाइम पर चाहिए कहाँ डिलीवर करना है कितने बजे करना है डेट तो स्पेसिफ़िकली उसके बाद से मैंने सोच लिया मैं हमेशा सबसे कन्फर्म करती हूँ इस डेट को चाहिए ना इतने बजे चाहिए ना यहाँ पर चाहिए ना मतलब सब कुछ पूछती हूँ मैं ओकेजन भी आपको पता होना चाहिए एक एक मेरे साथ एक एक्सपीरियंस और हो चुका है जो ओकेजन बेस्ड होता वो मैं आपको किसी नेक्स्ट केक वीडियो में बताऊँगी बट ये एक्सपीरियंस मेरे लिए लर्निंग के लिए तो बहुत काम कर गया क्योंकि बहुत इनिशियल स्टेज में मुझे पता चल गया ताकि मैं आगे कभी ऐसी चीज़ गलती रेपटेशन में ना करूँ तो एक चीज़ तो मुझे इससे पता चल गया आपको सारी डिटेल्स को अच्छे से लिख लेना है एक जगह पर ताकि आपसे कोई गलती ना हो मेरी तरह तो बिल्कुल भी गलती ना हो कि आप डिलीवरी लोकेशन पर खड़े हो और आपको नेक्स्ट डे डिलीवर करना हो इसके साथ साथ तो सेकेंड चीज़ जो मुझे सीखने को मिली कि आप जब डिलीवर करने एकदम जा रहे होते हो ना तब एक बार आपको अपने कस्टमर को कॉल कर देना चाहिए कि अब मैं डिलीवर करने आ रही हूँ यूजली मैं ये हमेशा करती हूँ बट तो जब गलती होनी होती है ना तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं अदरवाइज़ आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई थिंग्स बट कभी कभी जो बड़े बड़े एक्सपीरियंसिस होते हैं ना उससे हमें सीखने को मिलता है तो आपको डिलीवर करने के जस्ट पहले अपने कस्टमर को कॉल करना है और उनको बताना है कि मैं ये केक ले करके आ रही हूँ क्या मैं आ जाऊँ या अगर वो आ रहे हैं तो क्या आप आ रहे हैं मतलब आपको कम्युनिकेशन अपने कस्टमर के साथ बहुत अच्छे से रखना है डिलीवरी के जस्ट पहले तो ये दो चीज़ें मुझे इस एक्सपीरियंस से सीखने को मिली जिसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे थोड़ा पहले ही सीखने को मिल गया <laughs> तो ये एक मेरा एक छोटा सा स्टोरी टाइम भी हो गया एक तरीके से कह सकते हैं अब वापस आते से केक पे आपने देखा अभी तक मैंने जो भी प्रोसेस किया जैसा हमेशा मैं करती हूँ डिज़ाइन इसकी बहुत प्यारी थी बहुत सिंपल सी थी लेकिन बहुत एलिगेंट थी इसमें मैंने गोल्डन ड्रिपिंग्स डाले हैं साइड्स में मैंने ऑरेंज कलर से स्टार नोजल से डिज़ाइन दी है कम्प्लीटली उसके बाद मैंने बीट्स गोल्डन वाले इसके साथ गोल्डन ऑरेंज और गोल्डन इसके साथ गोल्डन बीट्स अच्छी लगती हैं तो मैंने गोल्डन बीड साइड्स में डाली है साथ साथ में जो केक के वॉल्स वाला एरिया है वहाँ पे भी मैंने स्प्रिंकल्स ऐसे स्प्लैश करके डाला है तो बहुत अच्छा लग रहा था प्लेन सा केक है बट बहुत ही ब्यूटिफुल एलिगेंट है पाइनएप्पल फ्लेवर में फिर मैंने साइड्स में भी डाली इसके साथ साथ मैंने बॉर्डर में देने के लिए ऑरेंज और वाइट विपिंग क्रीम का कॉम्बिनेशन यूज़ किया है वही सेम स्टार नोजल से बट शेडेड मैंने फ्लावर्स यूज़ किए जो कि बहुत ही पॉपअप करके आ रहा था बहुत सुंदर लग रहा था तो इसी तरीके से मैंने इसको एक क्लीन सा बॉर्डर दिया है ऊपर और नीचे दो अलग अलग पैटर्न पैटर्न तो सेम है बट डिज़ाइन का कलर अलग है बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था इसके बाद मैंने इस पर ऑरेंज कलर की विपिंग क्रीम से ही पाइपिंग बैग में डाल के पतला सा उसका कट करके फ्रेशर्स टू के ट्वेंटी थ्री लिखा है तो पहले मैं इसको एक बार नॉर्मल मैंने लिखा है फ्रेशर्स टू के ट्वेंटी थ्री बट लिखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि हल्का सा थोड़ा सा और इसकी थिकनेस विथ ज़्यादा होनी चाहिए तो मैंने उसके ऊपर री राइट कर दिया जिसकी वजह से वो और अच्छा बोल्ड आ रहा था लुक तो आप वीडियो में आगे देखते जाइए के के ऊपर लिखना भी एक तरीके का टास्क होता है क्योंकि अगर आपने ज़रा सा भी कुछ गड़बड़ कर दी आपको फिर से पूरा क्रीम को इक्वल करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप इसको हटाएंगे तो फिर आपको लेवल लेवलअप आप फिर से करना पड़ेगा मतलब आपका काम बढ़ जाता है सो so, इसीलिए आपको इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है तो ये देखिए मेरा तो अब धीरे धीरे प्रैक्टिस हो गया है इसके भी मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी आगे कि आपको कैसे अच्छे से लिखना आना चाहिए तो अगर आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तभी आपने पूरा देखा है तो अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय